Overall, anyone from you, would you like to tell something and can give some overview related to the speed reading which we read yesterday? Anyone from you can tell something what you have read yesterday and some points maybe present in your mind, and now you want to tell and explain all these things if you remember. In not, I want to get from you many points, but one and a half point which may be present in your mind related to previous lecture. So anybody from you can tell something, what is the main point, even a single point. Night, I want to get from you many points related to speed reading. Just as everyone can give just a one point related to speed reading, if you remember in your mind, if you have in your mind any kind of points related to speed reading. Iza and Tahir, I think these people I am watching on the screen, and you, if you have any kind of one point in your mind related to speed reading, you can tell and explain and share it today, so that it will be better for us to give us to push us forward. So anyone from you, if anyone would you like to tell even a single point which is so much important related to the speed reading? If you have in your mind, even anybody voluntarily, would you like to tell and please tell, so that we can put a forward step and many points coming in my mind we will discuss today. But please, anyone like to tell something what we have read yesterday? कोई भी पॉइंट, शाबाश, जो हमने कल पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी एक पॉइंट, कि किस तरीके से हम रीडिंग स्पीड रीडिंग कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें होंगी जो से हम स्पीड रीडिंग कर सकते, कोई एक आध पॉइंट शाबाश, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बताने हैं. शाबाश. हाँ, ये सेंटर वाले पेज के सेंटर वाले जो वर्ड्स हैं ना, उनको यानी देखा जाए एक एक को. हाँ जी, शाबाश. दो दो वर्ड्स, बिल्कुल. फोकस हमारा सेंटर में ही है, लेकिन आपकी नज़र में दो वर्ड्स आपके जहन में जा रहे हैं आसपास, और हम उनको कवर करते जा रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, शाबाश. समझ आ जाएगा, शाबाश, गुड गुड. कोई इसके अलावा कोई और कोई पॉइंट किसी के जहन में हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे. अच्छा, मजीद हम आज पढ़ते हैं. अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि मैं अक्सर पढ़ता था कि उन घरों में उन लोगों के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं जिन घरों में किताबें पड़ी होती हैं अलमारियों में, ठीक है ना? यानी विंडोज़ में, खिड़कियों में, जिन घरों में किताबें पड़ी होती हैं, तो बच्चा जब बड़ा होता है, ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, तो उनके जो बच्चे हैं, उन घरों में जो बच्चे हैं, वो बहुत मुआशी तौर पे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. हम देखेंगे, कारोबारी हैं ये, हैं एक घर की फैक्ट्री है तो दूसरे की, इसी तरीके से. तो बहुत सारे ऑथर्स कहते हैं कि नहीं, उन घरों में जिन घरों में किताबें हैं और बच्चा बचपन से देखता है कि ये किताबें हैं, इसका मतलब है मेरे बाप ने ये सारी पढ़ी हैं, तो उसका माइंड भी उसी तरीके से बन जाता है. और जिन घरों में किताबें होती हैं, उन घरों के जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं. इवन फैक्ट्रियों वाले इतने नहीं होते, वो बल्कि बिगाड़ के रख देते हैं जितने भी हैं,
लेकिन किताबों वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ज़हनी तौर पे मज़बूत, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ रखने वाले ये लोग होते हैं, तो उन घरों में जो ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, अच्छी होती हैं, और फाइनेंशियली वो बच्चे ज़्यादा मज़बूत होते हैं। अच्छा, अब देखें कि सबसे ज़्यादा जो बंदा इस वक्त अमीर है, बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है। तो आजकल मैं ये पढ़ रहा था इसके बारे में कि इसने यो साल के अंदर 50 किताबें कर दी हैं। अब देखिए, पहले वो 10 पढ़ता था, फिर 20 कर दी, अब 50 किताबें उसने पढ़ना शुरू कर दी हैं साल के अंदर। तो अगर वो अमीर हुआ है तो उसके जहन में ये आइडिया आया। आइडिया क्यों आए, या ऐसा आइडिया क्यों आया कि हमारे दिमागों में आइडियाज़ क्यों नहीं आते? और जो पीएचडी लेवल पर आपको प्रोजेक्ट उन लोगों को मिलता है जिनके पास आइडिया हो, वो आपसे पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो। बाज़ुकात इमरान खान भी वो आपको वो देना चाहता है, पैसे देना चाहता है, कर्ज़ा देना चाहता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि आपके पास आइडिया क्या, आप करोगे क्या इसका, ठीक है ना? यानी अच्छा आइडिया होगा तो उस आइडिया की बिना पर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। पीएचडी लेवल पर भी जो भी बंदा जाते हैं वो कहते हैं कि मुझे जी आप प्रोजेक्ट दें, मुझे प्रोजेक्ट दें, तो वो उन लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है जिनके पास आइडिया, आइडिया सबके पूछे जाते हैं। तो इफ़ समवन हैज़ आइडिया बट डिफरेंट द अदर्स एंड सो मच इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल, ही इज़ सेलेक्टेड एंड गॉट सच अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट वही बंदा लेता है। तो वो फिर कैसे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडियाज़ आते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने से। तो उनकी जिनकी भी स्पीड रीडिंग बेहतर है उनके पास ये आइडियाज़ आएंगे, डेफिनेटली वो इनको जो है ना बेहतर कर सकेंगे। तो एक जो है वे बिल गेट्स के बारे में कहते हैं कि 50 किताबें वो उसने पढ़ना शुरू कर दी हैं। तो जाहरी बात है, तो उसने भी तो टेक्निक सीखी होंगी ना, तो मज़ीद पढ़ते पढ़ते उसने टेक्निक मज़ीद सीखी कि अच्छा इस तरीके से आप मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं कि ये इन चीज़ों को देखा जाए, इन चीज़ों को देखा जाए, तो हमारा हम जो हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ लेने के कामयाब हो जाते हैं, और रोज़ाना जब आप इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ना भी शुरू कर देंगे, और भी स्पीड रीडिंग की जो टेक्निक्स हैं इनको सीखेंगे, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आप किताबें मज़ा तो तब है कि एक हफ्ते में अगर एक पढ़ते हैं तो फिर, यानी महीने में एक पढ़ते हैं तो अगले महीने में आपकी दो होनी चाहिए। तो आपने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी बल्कि स्पीड रीडिंग की जो प्रैक्टिस है और जो भी टेक्निक्स हैं उनको भी अपनाना है। तो इस तरीके से आप जो है एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। तो ये देखें बिल गेट्स की, इसने भी ज़ाहरी बात वो टेक्निक सीखी हैं, शायद यही इसी तरीके से हैं। तो अच्छा, उसके लिए है कि स्पीड रीडिंग में हमने मज़ीद कल भी पढ़ा था कि हमारे पास, हमने एक वर्ड को नहीं देखना बल्कि चंक या बंडल ऑफ वर्ड्स को देखना होता, और बंडल ऑफ वर्ड्स को देखकर हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट्स द मीनिंग हेयर इन इन सच ए चंक, इन सच ए बंडल। तो ऐसे बंडल के अंदर जो है कौन सी कितने वर्ड्स हैं और इनका क्या मीनिंग है और क्या इसमें पाया जा रहा है, तो सच इज सो मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर देखें कि हमने वर्ड्स पढ़ने नहीं हैं, स्पीड रीडिंग में पढ़े नहीं जाते वर्ड्स, स्कैन किए जाते हैं या ग्लांस किया जाता है इन्हें। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बूझ, आपकी कंप्रीहेंशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए, हमें रीडिंग नहीं करने बल्कि कंप्रीहेंड करना होता है, एक कंप्रीहेंड करना होता है और एक आपने पढ़ना होता है। तो हमने कंप्रीहेंशन करनी होती है थ्रू ग्लांस, थ्रू स्कैनिंग, और ये बढ़ती जाती है। हम समझेंगे हमें नहीं समझ आई, वो नहीं भाई, जब आप रोजाना पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंप्रीहेंशन बढ़ेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ हमने पढ़ना नहीं बल्कि जो एक्चुअल जो पढ़ा है उसको याद भी रखना है। एक ये है कि बस पढ़ते गए, वो क्या कहते हैं, कमलों की तरह से हम घूमते जा रहे हैं, पढ़ के आगे भागते जा रहे हैं, तो ये काम भी नहीं करना।
हमारे तो एक्चुअल आइडियाज़ को तो कवर भी तो करना है ना हमने, तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि पढ़ के उनको कुछ याद भी करना है, उनको रियलाइज़ करना है, उसको महसूस करना है, उसका बड़ा फ़ायदा होगा। चलो आप शाम को ही, सारा दिन पढ़ा तो शाम को ही आपने उसको महसूस कर लिया, आपने उनको याद कर लिया, वो आइडियाज़ आपके दिमाग में डिफरेंट वे से बैठें और वो जो है मिक्सअप हो आपके पुराने आइडिया और उनके न्यू आइडियाज़ के साथ। ये नहीं कि वो पढ़ के ऊपर से गुजार देना है, ये भी नहीं होना चाहिए। इससे तो बेहतर है कि आप ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा पढ़ लें लेकिन जो पढ़ा है कम से कम उसको, उसका जो आइडिया है उसको याद करें बाद में कि मैंने पढ़ा क्या है, बट आई हैव रेट। एंड वो आइडियाज़ डिफरेंट होंगे, जाहरी बात है, वो आइडियाज़ को हमने संभालना है और ये आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत फ़ायदेमंद होंगे। बिल गेट्स को ऐसे को नहीं मिला, ये अमीर तरीन बंदा ऐसे नहीं बन गया। और भाई इसने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, स्पीड रीडिंग की है इस बंदे ने, किताबें अभी भी पढ़ रहा है। ऐसे कोई आइडिया सॉफ्टवेयर का, या सॉफ्टवेयर का आइडिया आया कैसे? ये न्यू आइडिया भी तब भी आता है जब आपके पास बहुत से आइडियाज आ जाते हैं, तो फिर एक नया आइडिया वो निकल के बाहर आता है। तो इस तरीके से फिर जो है हम समझेंगे वो बंदा लाया भाई, वो तो आराम से उसके दिमाग में अल्लाह ने दे दिया। खुदा की ज़ात भी ऐसे नहीं देती, आपकी एफर्ट की बिना पे देती है, तो उसके पास उसकी पीछे की मेहनत ज़्यादा है। देखेंगे आप, वो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला बंदा वो है, सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला बंदा वो है, इसका कमाल नहीं हो गया वो? इसका मतलब है कि वो रीडिंग की है उस बंदे ने, कोई ऐसे को खुदा ही नहीं है कि उसके दिमाग में वो आइडिया आ गया। तो हाँ, ये तो कोई भी बंदा ऐसे कर सकता है। आप अपने डिफरेंट आइडियाज़ को इकट्ठे करेंगे तो फिर आप एक अच्छा आइडिया क्रिएट करने के काबिल हो सकते हैं। उसके साथ साथ है अच्छा, आप हाईलाइट भी करें, पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में हाईलाइट भी करते जाएं, ये भी फ़ायदेमंद चीज़ होगा कि जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती हैं उनको हाईलाइट भी करते जाएं। हमने आइडियाज़ को संभालना भी है, सिर्फ ये तो नहीं कि बस पल्ले कुछ भी ना पढ़ा और पढ़ भी दिया। जैसे लोग कुरान पाक को भी पढ़ते हैं और बस पढ़ते जाते हैं सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, मेरे ख्याल कंप्रीहेंशन इनकी नहीं होती। हमने असल मेन मकसद तो कंप्रीहेंशन भी है ना, न्यू आइडिया भी लेना है, तो इम्पोर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करते जाएँ। बायोलॉजिकल एडवर्सिटी को भी देखें कि ये देखिए बातों के अंदर जो है कि अच्छा, ये किताबों की बातें हो रही हैं, ये दरख्तों की बातें हैं, ये नेचर की बातें हैं, ये फीलिंग्स हैं की बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं, और ये जो है लॉ की बातें हो रही हैं, ये पैसों की बातें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को भी आप डिफरेंट करते जाएं और बिल्कुल भी हम इनको लाइट नहीं लेंगे। अच्छा, ये फिर आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप फिर स्कैन किया करेंगे, स्कैन करते ही आपको पता चल जाएगा पेज के अंदर आप दरख्तों की बातें हैं, किसी लॉ की बातें हैं, किसी मार्क्सिज्म की बातें हैं, किसी स्ट्रक्चरलिज्म की बातें हो रही हैं, घरेलू मामला चल रहा है, और ये क्या कौन सा फ़लसफ़ा है और किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, उसके साथ साथ है फिर टाइटल को देखें गौर से, इंट्रोडक्शन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पूरी किताब समझ आ जाती है। टाइटल और इंट्रोडक्शन, बोथ थिंग्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। टाइटल आपको आधी चीज़ें बता देता है, इंट्रोडक्शन तो तकरीबन बता देता है, मेरे ख्याल में आगे किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज़ें होंगी तो फिर और टाइटल और इंट्रोडक्शन के थ्रू आप फिर भागते जाएंगे कि कैसे मैंने आगे भागना है। अच्छा, क्वेश्चन देखें, हु व्हाट व्हाई हाउ और वेयर, इससे रिलेटेड है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उधर दिए गए हैं उनको आप देख सकते हैं, और या जहाँ से भी आपको नज़र आते हैं या दरम्यान में कोई क्वेश्चन नज़र आ रहा है तो इन पांचों क्वेश्चन को देखेंगे, कौन क्या क्यों कैसे कहाँ, तो काफ़ी चीज़ें आपको इस तरीके से भी समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद स्पीड रीडिंग के साथ साथ मैंने पहले भी कहा है कि आप उसको रिमेम्बर भी करें, याद भी करें कि क्या पढ़ा है, तो ये जो है ताकि हमारे पास नए आइडियाज़ आएँ और उसका पता चले। अच्छा, ये देखें ये इम्पोर्टेंट है तो क्यों है,
ये इससे रिलेटेड कैसे है, क्यों है, कैसे है, ये क्वेश्चन भी हमने करने हैं पढ़ने के बाद। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाएं। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक पेज के दरमियान वाले ग्लांस हमारा फोकस कहें, तो स्कैन कर रहे हैं तो एक एक लफ्ज़ को कर रहे हैं, फिर सेकंड टाइम दो दो को करें, तीसरी दफ़ा तीन तीन को करें, और इसी तरीके से स्पीड आप बढ़ाएं। महीने में अगर आपकी एक किताब पढ़ रहे हैं तो दूसरी अगले महीने में दो आपकी पढ़ी हुई हों, इस तरीके से उसके महीने अगले उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से यानी आप किसी भी चीज़ को बढ़ा सकते हैं। नींद को बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। खुराक को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। और एक दिन आप भागें तो 1 मिनट में आपने जो है कितने किलोमीटर किया, तो आगे फिर प्रैक्टिस करते जाएं तो आपके किलोमीटर बढ़ते जाएंगे। वज़न उठाने का प्रैक्टिस है, ये वेट लिफ्टिंग वाले एक दिन में जो है ना 20 किलो का वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो अगले दिन एक थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। तो इसी तरीके से सिर्फ यही नहीं कि ठीक है कि हमने एक किताब पढ़ी, ये अच्छी बात है, तो बेहतर तो ये है कि यू शुड इम्प्रूव योर रीडिंग, और आपकी किताब जो है वो किताबें बढ़ती जाएंगी हर हर दफ़ा। अच्छा, फिर ये है कि कुछ लोग एक दिन पढ़ते हैं, ये भी नहीं है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो है ना आपको शौक़ ज़्यादा बढ़ेगा, आपका मिजाज पढ़ने वाला बन जाएगा, आपको बेचैनी होगी पढ़े बगैर, आप चलते फिरते भी पढ़ते फिरेंगे। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक से इसकी इसकी आपकी एक आदत सी बन जाएगी। सो क्रिएटिंग हैबिट, मेकिंग ए हैबिट इज सो मच इम्पोर्टेंट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो डेली प्रैक्टिस इज सो मच इम्पोर्टेंट। मे बी यू हैजंट अ प्रॉपर डेली टाइम, इन स्पाइट ऑफ दैट ट्राई बेस्ट क्रिएट टाइम डेली वाइज। सो डेली वाइज प्रैक्टिस इज सो मच इम्पोर्टेंट। स्पीड आपकी, ये गवाला जो है ये जो हम लोग ये काम करने वाले, ये छाबड़ी बनाने वाले, एक दिन एक बनाता है तो अगले दिन वो उतने टाइम में दो बना, फिर उसकी महारत और स्किल आती जाती है। तो स्पीड में भी जब आप डेली करेंगे तो आपकी स्पीड इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। वो होगा ऐसे ही जैसे डेली प्रैक्टिस से ही होगा, तो फिर आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। वो टोकरियाँ बनाने वाला मैं देखता होता था मेरे गाँव के अंदर, वो फीका वो टोकरियाँ, वो शहतूत की टोकरियाँ बनाता था, वो एक बनाता था, वो फिर ऐसे लगता था वो ज़्यादा खूबसूरत भी बनाने लग गया और ज़्यादा भी बनाने लग गया। यानी महारत स्किल इसी चीज़ का नाम है। तो ये डेली वही काम आप अगर आप करते रहते हैं तो ये चीज़ें आपकी बढ़ती जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप इसको बढ़ा सकते हैं, डेली प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या कहते हैं, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ें और मुख्तलिफ टाइम में इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मुख्तलिफ किताबें, बाज़ अवक़ात मुश्किल भी होती हैं कि मैंने उतनी स्पीड में ही पढ़नी है, बाज़ अवक़ात स्लो भी हो सकती है, मे बी सम डिफ़िकल्ट बुक्स कम इन योर हैंड, अंडरस्टैंडिंग फॉर देम मे बी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, यू हैवंट अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड देम। सो आई थिंक डेली वाइज A practice give you some help and give you some speed, but if come in your hand a different type of books to understand them, it may be it is difficult for you. So different books if come in your hand, if you spending a lots of time of one book and other book you easily understand. So no doubt, don't feel any hesitation and pain and be frustrated and worried. So it's a common thing. If you're spending lots of time in one book, you can spend. So, but with the passage of time, you can cover up easily the difficult books. So, if you don't feel any hesitation and frustration, worried and disappointed, so it's a routine wise and daily practice give you help to understand the difficult books easily. तो इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि एक दिन एक लाइन है तो अगले दिन दो लाइनें आपने उसी टाइम में पढ़नी है, तो फिर अगले दिन तीन लाइनें हैं, तो इसी तरीके से एक पेज है आज पढ़ा है तो अगले दिन दो पेज पढ़ने हैं, तो फिर उससे अगले दिन तीन पेजेस उसी टाइम के अंदर पढ़ने हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं प्रैक्टिस करते हैं
इस पे दौड़ के अंदर उसी मिनटों के अंदर, या गेम मोबाइल पे खेलते हैं तो वो कार वाला स्कोर करता है, कार जा रही है तो वो जो है ना इधर बचा चूके उसने आज 500 कर लिया, अगले दिन यकीन करें वो गेम वाला 700 स्कोर किए होता है उसी टाइम के अंदर, फिर उसके बाद 1000 और ये सारे जो है ना। तो इस तरीके से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये बढ़ेगी स्पीड आपकी। अच्छा, हमने फिजिकल पावर नहीं करनी स्पीडिंग रीडिंग के लिए, फिर हमारा जो है ब्रेन पावर, दिमाग को पावरफुल बनाना है हमने। तो दिमाग को पावरफुल तब भी बनता है जब आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, आप अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे, तो फिर देखते ही होगा आपको, तो फिर तकलीफ भी नहीं हुआ करेगी। डेली प्रैक्टिस का ये फ़ायदा होगा कि आप चीज़ें भी बहुत सारी समझ जाएंगे, आपको पेन भी नहीं होगी, महसूस भी नहीं होगा, आपको पता होगा कि अच्छा ये इस पेज पे नेचर की बातें हैं, लॉ की बातें हैं, केमिस्ट्री की बातें हैं, मैथमेटिक्स की है, देखते ही आप उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, हमने पढ़ना नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंडिंग में स्पीड होती है, पढ़ने में स्पीड नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा अंदाज़ा लगाते जाएं और इसको करें करें डेली, पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, पिक्चर वगैरह को देखा जाए, इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है, थोड़े टाइम के अंदर आपको पिक्चर बहुत कुछ बता देती है, पिक्चर और डायग्राम और ये सारी चीज़ें अगर बुक्स के अंदर हैं तो ये बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं, ये निचोड़ होते हैं, तो सारी पढ़ने की बजाय उन चीज़ों को देखा जाए ये भी काफ़ी हद तक बेहतर होता है हमारे लिए। कंप्रीहेंशन है, यानी कंप्रीहेंड करें आप, ना कि रीड करें, हमने समझना है, फहम करना है, तो इस चीज़ को अपनाया जाए। हाँ, बाज़ का तो इंटेंसिटी होती है, अभी इंटेंसिटी नहीं होनी, अंडर कंप्रीहेंशन उस वक्त होती है जब आप रिलैक्स होते हैं, वी आर रिलैक्स, बी पीसफुल, बी साइलेंट, और ऐसे शोर शराबे में भी ना पड़े, बाज़ का हम लोग शोर शराबे में पढ़ते हैं तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो ऐसे फिर हमारी कंप्रीहेंशन में कमी आती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी आती है। तो पीसफुल होके और इस तरीके से आप यानी पढ़ा करें तो आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि चिंगम का इस्तेमाल करें, खाते खाते चिंगम का इस्तेमाल करें, ये आपको रिलैक्स भी रखता है, तो जो है ना इससे एक्टिव भी रहें, एक्टिव रहेंगे तो फिर जो है ना आप जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंशन काफ़ी बेहतर रहती है, तो चिंगम वगैरह का यूज़ बेहतर है, रिलैक्स भी हैं और बस देखते जा रहे हैं, खा रहे हैं और इन चीज़ों को, और फिर उसको थोड़ा सा गौर करते हैं, पढ़ लिया तो उस पर गौर कर लिया, पढ़ लिया गौर करना भी ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं। और टी चाय वगैरह का, कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल, मैं तो समझता हूँ फल वगैरह का इस्तेमाल भी करें तो सच थिंग गिव यू सम एक्टिवनेस, एंड सम लोग जो हैं उसको छोड़ देते हैं तो आपकी एक्टिवनेस में कमी आती है, तो आई थिंक ये चाय वगैरह ये सारी चीज़ें बेहतर हैं, सच थिंग गिव यू सम एक्टिवनेस, इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होंगी। और मार्जिन बाज़ का हम लोग रखने की कोशिश, मार्जिन से मार्जिन रखें डेली उसी तरीके से, उतने टाइम के अंदर उसको पढ़ें, दूसरी को भी पढ़ें, मुश्किल किताब है फिर भी पढ़ें, मैंने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं कि हम उसी तरतीब में एक चीज़ को रखें, लेकिन ये भी है कि मार्जिन में रखा जाए, थोड़ा थोड़ा एक जैसा टाइम के अंदर मुश्किल किताब को भी पढ़ें और आसानी को भी पढ़ें, तो फिर आँखों का इस्तेमाल करें, आँखों का यूज़, घूमती जा रही हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स आज हमने मज़ीद डिस्कस किए हैं, इसके लिए शाबाश, आप लोग भी सवाल भी करें, चुप करके कि सो ही ना चाहे, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, मुझे चाहिए था कि कुछ कुछ क्वेश्चन करता आपसे, शाबाश, कोई मज़ीद आपके जहन में क्या आइडिया आ रहा है? इज़ा, ताहिर, गुड़िया तुम तो सोई हुई हो, ये आपने पता नहीं ये मोनोग्राम किस चीज़ का लगाया हुआ है, इससे तो हैं नहीं। अच्छा,
गुड। और बाकी लोग भी ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके जहन में आए हैं, सुन सकता हूँ? 14 लोग। अच्छा, मकसद ये है कि हमारी स्पीड रीडिंग हो जाए। हमारा मेन मकसद तो यही है ना, रीडिंग हमारी बेहतर हो जाए। ये सारे का सारा करने का मेन मकसद यही है। अच्छा, तो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि उनके वालदेन, वो उन बच्चों के वालदेन जिनके यहाँ किताबें ज़्यादा होती हैं, उनके बच्चे जो वो किताबों को देखते हैं, और दूसरे घर भी जिनके घरों में किताबें नहीं होती, तो उनके बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। तो जो बच्चे किताबें देखते हैं सिर्फ, वो बड़े होते हैं किताबों को देखकर, उन वो भी फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं, लेकिन जिनके पास आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं तो वो नया आइडिया क्रिएट करते हैं। अगर आप लोगों ने पीएचडी करनी है तो फिर वहाँ आपके आइडियाज़ ज़रूरी होते हैं। डिफरेंट आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, तो वो होंगे मुख्तलिफ किताबें पढ़ के, स्पीड रीडिंग के ज़रिए से। ठीक है जी। क्या क्या मतलब, कैसे? मैं समझा नहीं है, आप किस चीज़ को, क्या किसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं? हाँ, शाबाश, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल तो स्पीड हमारी कैसे बढ़ जाए, लेकिन उसके साथ साथ जब देखें ना, ये एक जर्नल चीज़ है स्पीड रीडिंग आपकी। जब जब आप इस तरह पढ़ने लग जाएंगे, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि जब आप इस तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी स्पीड बेहतर होगी और आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट भी डेफिनेटली आएगी। आप नई नई चीज़ें पढ़ने लग जाएं और आपकी जो जो है, क्या कहते हैं, आपकी लैंग्वेज बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके पास नए नए वर्ड्स भी आएंगे डेफिनेटली। अगर आप सिर्फ मीनिंग की तरफ नहीं जाते, आप मीनिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वर्ड्स की तरफ भी आप जाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इस तरह के भी वर्ड्स आ रहे होते हैं, इस तरह भी होता है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो बेहतर भी होती है, इम्प्रूव भी होती है इसके साथ साथ। क्या ख्याल है आपकी, फिर जो लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी ऐसे? होगी या नहीं? हाँ, डेफिनेटली वो चीज़ें जो है ना, साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि जो है, आप करके देखें, आप रीडिंग आपकी, आप अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप मुख्तलिफ वर्ड्स के स्ट्रक्चर के और इनकी पेजेस के सामने से जब गुजरते हैं, तो उनका जो नक्शा आपके जहन में आता है, तो आप डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। आप सिर्फ कारों को देखते जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ, कारें आप देख रहे हैं तो आपका कोई लेना देना नहीं, आप स्पीड से देखते जा रहे हैं, आपके जहन में वो कारों का मॉडल और जो है, जो अगर आप बनाने वाले हैं, आपने तो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन आपके जहन में वो जो बनाने का जो है एक आइडिया है, वो उसमें भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, मॉडल इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो इस तरीके से स्पीड रीडिंग के साथ साथ आपकी रीडिंग इम्प्रूव भी होगी डेफिनेटली, मैं तो समझता हूँ। इज़ा, क्या ख्याल है? हाँ, ना सिर्फ स्पीड बढ़ेगी बल्कि इम्प्रूव भी होगी,
ये डेफिनेट बात है, ये उसका हिस्सा है। जैसे कोई कोई जर्नल चीज़ है तो उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहते हैं ना कि राइटिंग बेहतर हो जाए तो स्पीकिंग, लिसनिंग और जो है ये सारी जो बाकी स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती हैं, वो बेहतर होती हैं। तो ये स्पीड से इंशाल्लाह वो जो है डेफिनेटली, ये तो पक्की बात है कि आपकी जो है रीडिंग है वो इम्प्रूव भी होती है, आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव भी होती है। हाँ शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन किया है। या और कोई, और क्या कुछ? शाबाश। हम वैसे तो हमारा लेक्चर आज के इतना ही काफ़ी है, कल हम मज़ीद इस पर डिस्कस करेंगे। तो कोई और क्वेश्चन या कोई ऐसे को रिलेटेड जैसे इसने किया है, अच्छा अच्छी बात की है, कोई नई चीज़ सामने आती है। जी आज जो पढ़ा है कुछ को उसकी कुछ समझ आई है, उसको तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है वो सारी चीज़ें? ठीक, चलो ठीक है फिर आज के लिए शाबाश, इतना ही काफ़ी है और इससे ज़्यादा बोला भी नहीं जाता। लेक्चर ज़रूर वो डबल है, लेकिन हम मैं इधर बैठा कोई एक्टिविटी भी नहीं करवा सकता। उधर हम जब रेगुलर थे तो मैं आपसे एक्टिविटी करवाता था, मैंने एक्टिविटी करवानी थी लेकिन अब नहीं होगी ऑनलाइन, ये स्यापा तो है। बस उधर बैठा तो मैंने आपको एक एक्टिविटी देनी थी। बरकैफ़ ये चीज़ें जो आज डिस्कस की हैं, ये कल फिर मैं आपसे ओवरव्यू लूँगा इन चीज़ों का। और ये लेक्चर मैं सेंड कर दूँगा, इसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों ने कुछ में अखज़ करनी है तो कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं कल फिर हाँ इन चीज़ों से फिर मैं कल आपसे पूछूंगा भी, ओवरव्यू लूँगा, जैसे आज इज़्ज़ा ने कुछ बताई है मुझे, कल कल हमने क्या डिस्कस किया था। ओके, नाइस टू मीट यू टुडे, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ वज़ी।